कोचिंग कोचिंग माफियाज जैसे अपन देखें तो कोचिंग में इतनी फीस लेते हैं, 2-2 लाख तक बच्चे, उनके माता पिता अपने गहने गिरवी रख के, जमीन गिरवी रख के कैसे कैसे कहाँ से पैसे लेकर आते हैं। मैं कितनी डरी हुई हूँ, मैं 4 दिन से मुझे ना नींद आती है सही से, मुझे सपने आ जाते हैं उल्टे सीधे, और ना तो मेरी पढ़ाई सही से हो रही है, क्योंकि मैं उस टाइम यहीं पर थी जब इंसिडेंट हो रहा था, मैंने सब कुछ देखा था, और वो सब देखने के बाद मुझे नींद नहीं आई थी पूरी रात, मैं हेल्पलेस फील कर रही थी कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही, जो बच्चे अंदर फंसे हुए थे, मैं बाहर थी। अब तो मैं किसी से भी नहीं कहूँगी कि यहाँ पर आए, अपनी लाइफ को ऐसे दाव पर लगाए, इससे अच्छा तो घर पे ऑनलाइन पढ़ ले, वो ज़्यादा बेटर है। कि नहीं, रोना नहीं है, रोना नहीं है। तुम तो अधिकारी बनने आई हो, कल अगर तुम बन गई तो क्या करो, क्या बदलोगी? निविन, निविन उसकी जो डेथ हुई है, वो लोगों को बचा रहा था, उससे उसकी मौत हुई। हेलो, तो दूसरों को बचाने के चक्कर में अपनी जान, दूसरों को बचाने से उसकी मौत हुई। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त ओल्ड राजेंद्र नगर में पिछले कई दिनों से उन बच्चों की मौत के बाद प्रोटेस्ट चल रहा है। आप देख सकते हैं यही वो लोकेशन है, वही जगह है जहाँ पर वो बच्चे मरे थे। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं वो आए हैं, उनमें से बड़ी संख्या में लड़कियाँ भी आई हैं। हम लड़कियों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, वो क्या सोचती है, उनकी क्या दिक्कत है, सीधे लड़कियों से जानते हैं क्या कहना चाहती हैं वो सरकारों से, अथॉरिटी से। आइए मेरे साथ। बात तो ये है कि अभी इतने दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, पर हम बच्चों का मतलब कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है अभी तक भी। जैसे कि लाइब्रेरी से आप देखोगे तो आपको बस लाइब्रेरी सील मिले जाएगी, बस इसी रोड की। आप थोड़ा सा ओल्ड राजेंद्र नगर में अंदर जाओगे, उधर की लाइब्रेरी अभी भी चल रही है ग्राउंड में। हाँ, मतलब चल रही है, मतलब उन्होंने बस पोस्टर हटा दिया है। अच्छा। उधर वो वाला लाइब्रेरी सील अभी तक नहीं हुई है, ठीक है। दूसरी बात तो यह है कि मतलब आप लोग सारे हाँ आ रहे हैं, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट से भी लोग आ रहे हैं, जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर भी आए, ये सारी चीज़ें, मतलब वो आकर बस बातें बता के चले जा रहे हैं अपने अपने, कुछ एक्शन भी तो लेना चाहिए, तभी तो हम कुछ आगे का मतलब प्रोटेस्ट का चलाना मतलब है। बदलाव नहीं हुआ, बातें हो रही है, मतलब बदलाव चेंज नहीं हो रहा। क्या कहेंगे, क्या नाम आपका? मेरा नाम इंदिरा है। अच्छा, बताइए आप कहाँ तैयारी करते हैं, क्या आपका कंसर्न है? मैं UPSC की तैयारी कर रही हूँ, मुझे 1 साल हो चुकी है, मैंने लास्ट टाइम बाजीराम से कोचिंग ली थी और अभी मैं पटेल नगर में रह रही हूँ। मेरा मेन कंसर्न यही है कि अभी अपन देखें तो पहला रेंटल, अभी एक लड़की ने सुसाइड किया है बिकॉज ऑफ लैंडलॉर्ड्स हरासमेंट, ठीक है। और दूसरा कर रहे थे। हाँ, उसमें उसने लिखा था कि वो एक तो डिप्रेस थी और दूसरा इतना रेंट होता है तो एक तरीके से हरासमेंट होता है, क्योंकि अगर जैसे हम खाली करते हैं, ठीक है, मैं पहले कहीं और रहती थी तो मैंने जब खाली किया था तो उन्होंने हमें 1 दिन भी नहीं रहने दिया था, 1 दिन रहने का भी वो चार्ज ले रहे हैं हमसे। हाँ, तो यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट को एक्सप्लॉइट किया जाता है। और दूसरा लाइब्रेरी अभी बेसमेंट में चल रही थी, अब बेसमेंट की लाइब्रेरी सारी सील हो चुकी है, अब बच्चों का मेंस आ रहा है तो मेंस के लिए कहाँ जाएंगे, क्योंकि रूम पर तो पढ़ाई हो नहीं रही है, तो पढ़ाई करने के लिए कहीं तो नहीं कर पाते, नहीं वो कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। जैसे लाइब्रेरी में जाते हैं तो कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी के साथ थोड़ा इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन के साथ पढ़ाई होती है, तो पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है। तो रूम पे रहते हैं, अगर रूम पे रहेंगे तो डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन होगा तो बच्चे सुसाइड करेंगे, इसके लिए लाइब्रेरी ज्वाइन करनी पड़ती है। ये एक महत्वपूर्ण रीजन है, कई बच्चे जो लाइब्रेरी में आते हैं क्योंकि वहाँ अपने जैसे दिखते हैं लोग, क्या अपने जैसे बच्चे स्टडी करते दिखते हैं, अपने जैसे दिखते हैं और पास में बैठे रहते हैं, तो एक होता है ना कि हाँ हमारे पास कोई है, अगर हमें थोड़ा बोर फील हो रहा है या फिर थोड़ा टेंस हो रहा है तो हम बात कर सकते हैं सामने किसी से। रूम पर अकेले मतलब टेंशन आती है, टेंशन आती है और फिर पढ़ाई भी नहीं हो पाती है सही से। अच्छा, लड़की होने की भी अपनी चुनौती रहती होंगी, लड़की गर्ल्स जब आती है तो उसको कैसे, एक तो लड़कियों की प्रॉब्लम्स क्या रहती है? एक तो लड़कियाँ आती तो सेफ्टी प्रॉब्लम, दिल्ली में तो रात को 9 बजे के बाद लड़कियों को निकलना इम्पॉसिबल है। यहाँ पर भी ऐसे ही? हाँ, यहाँ पर है, अगर जैसे जा रहे हैं, मैं अपना ये केस बताती हूँ। मैं एक बार विश्वविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी गई थी, मैं वहाँ से वापस आ रही थी तो एक आदमी मेरे पीछे पड़ गया वहीं से। हाँ, तो वो मेरे पीछे पीछे करने लगा, तो मैंने जब उसको बोला कि क्या भैया, तब जाके वो वापस गया एंड वो ड्रंक था। ऐसे एक केस नहीं, ये केस होते रहते हैं, बार बार होते रहते हैं, तो इसके लिए कोई सेफ्टी नहीं है। यहाँ पे इतना बड़ा, ये नेशन की कैपिटल है, ठीक है, नेशन की कैपिटल होने के बावजूद भी ऐसे केस हो रहे हैं। एक ये बेसमेंट वाला केस हुआ है, इसमें कितने 3 बच्चों की जान गई है, बट एक्चुअलिटीज कितनी रियल एक्चुअलिटीज है वो कोई बता ही नहीं रहा है। इस पर भी लेकर कई सवाल करें कि 3 से ज़्यादा हैं, कई लोग ये सब कर रहे हैं। हाँ, 3 से ज़्यादा लोग, क्योंकि मैं उस इंसिडेंट पर प्रेजेंट थी, मैंने खुद देखा है। आप थी उस समय लाइब्रेरी में? हाँ, मैं लाइब्रेरी में नहीं थी, मैं बाहर थी, बाहर से मैंने पूरा देखा है, जैसे वो लोग उनको रेस्क्यू कर रहे हैं, ठीक है, रेस्क्यू कर रहे हैं और फिर
जैसे डेड बॉडीज हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं, तो वो मैंने देखा था, तो उस हिसाब से मुझे पता है कि 3 से तो ज़्यादा ही मौत हुई है। डेड बॉडी निकलती हुई संख्या नंबर ज़्यादा? हाँ, संख्या नंबर नहीं, जैसे गाड़ी निकली क्योंकि एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस में तो एम्बुलेंस में बॉडीज लेके गई, फिर पुलिस की गाड़ी में भी लेके गई, तो फिर इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं, पुलिस की गाड़ी में भी लेके जा रहे हो तुम और एम्बुलेंस में भी लेके जा रहे हो, और कई सारी पुलिस की गाड़ियाँ निकली थी वहाँ से। और एक और ये इलेक्ट्रोक्यूशन का केस, इलेक्ट्रोक्यूशन का केस, हाँ, ओपन वॉइस डाले रहते हैं, जैसे पटेल नगर में ही रहती हूँ, पटेल नगर में अभी एक लड़के की हादसे से मौत हो गई, क्योंकि उसको वो जा रहा था, वो क्या उसकी क्या गलती थी, वो बेचारा जा रहा था, उसने गेट पकड़ा, उससे थोड़ी ना पता था कि मेरी मौत हो जाएगी, उसने उस वहाँ पे करंट आ रहा था, और वो कई दुश्मन है, कई दिक्कतें हैं, MCD एक तो, एक मुझे जो गवर्नमेंट है वो भी करप्ट लगती है पहली बात, दूसरा अगर अपन एक सही तरीके से कि अपनी इंडिया सच में इंडिपेंडेंट है, मेन मुद्दा ही, ये भी सवाल है दिमाग में, हाँ, भी मेरे दिमाग में बहुत दिन से ये सवाल चल रहा है, क्यों, क्योंकि अपन देखें तो आज का जब यूथ, मतलब जो हमारे देश का भविष्य है, वो ही अगर इंडिपेंडेंट नहीं है सही तरीके से, वो अपनी ज़िंदगी जीने में वो डर रहा है, तो किस बात का इंडिपेंडेंस, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ पर एक बार गौर करने की ज़रूरत है। जैसे अभी परसों बारिश हुई थी, परसों दिल्ली में कितने केस, हर जगह पानी, हर जगह कमर तक पानी भरा हुआ था, कमर तक पानी हुआ, तो मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर, तो उसमें एक मदर और उसका दो साल का बच्चा नाली में गिर के मर गया, हाँ, और 3 इलेक्ट्रोक्यूशन के केस हुए थे गुरुग्राम, तो मतलब ये सिर्फ ORN का केस नहीं, ये पूरा दिल्ली का केस है, तो पूरी दिल्ली चेंजेस चाहती है, बदलाव चाहती है सरकार से, दिल्ली सरकार से खुश नहीं है बिल्कुल, नहीं बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि देखो पहली बात फ्रीबीज देने से का कोई मतलब नहीं है, फ्रीबीज तुम दोगे, हमें डेवलपमेंट चाहिए, फ्रीबीज नहीं, अगर तुम डेवलपमेंट करोगे ना उससे ज़्यादा तुम्हें वोट्स मिलेंगे, तुम्हें प्रेस करेंगे लोग, इसलिए तुम हमें डेवलपमेंट दो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दो, ये एजुकेशन में जैसे कोचिंग माफियाज, जैसे अपन देखें तो कोचिंग में इतनी फीस लेते हैं 2-2 लाख तक, बच्चे उनके माता पिता अपने गहने गिरवी रख के, जमीन गिरवी रख के कैसे कैसे कहाँ से पैसे लेकर आते हैं, तो एटलीस्ट एक रीजनेबल प्राइस हो तभी बच्चे अफोर्ड कर पाएंगे, कुछ बच्चे तो ऐसे ही रह जाते हैं तैयारी करने से, क्योंकि उनके माता पिता अफोर्ड नहीं कर पाते, जाना पड़ेगा दिल्ली, फीस इतनी होगी दे नहीं पाएंगे, अपने वहीं खत्म हो जाते हैं। आप कहाँ से आती हैं? मैं मध्य प्रदेश से हूँ। अकेली रहती हैं? मैं फ्लैट में रहती हूँ, तो मेरे साथ 2 लड़कियाँ और रहती हैं, साथ में, हाँ, काफ़ी दुखी हैं इस पूरे, बहुत दुख हुआ है, एक तो मैंने सुना है जो लड़का निविन उसकी जो डेथ हुई है, वो लोगों को बचा रहा था, उससे उसकी मौत हुई, हेलो, तो दूसरों को बचाने के चक्कर में अपनी जान, दूसरों को बचाने से उसकी मौत हुई, तो उसने कहीं ना कहीं अपनी जो पढ़ाई जो पढ़ रहा है, जिसकी तैयारी कर रहा है, उसको शो किया है कि हाँ ये मेरी ड्यूटी है, मैं उनको बचाऊंगा, तो ये कहीं ना कहीं, तो उनके लिए हमें प्रोटेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, अभी बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, तो उनका बहुत ज़रूरी है आना, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनके लिए हमें लड़ाई करनी है, आगे कुछ भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं उनकी जगह, इसके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। क्या दिक्कत है, क्या नाम आपका, इधर कैमरे में देखना। मेरा नाम आकांक्षा है और मैं UP से आई हूँ यहाँ पे, लास्ट 1 ईयर से मैं दिल्ली में हूँ, और लास्ट ईयर भी यहाँ पे मैंने देखा था कि इतना पानी भर जाता है, और तब भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि इतनी बड़ी ट्रेजेडी नहीं हुई थी, अगर जब तक ट्रेजेडी नहीं होती तब तक सिस्टम कोई भी एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं रहता है, तब तक तो बस चलता रहता है काम, जब इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, बच्चे प्रोटेस्ट पे उतर आए, तब जाके यहाँ पे एक्शन के लिए कोई कुछ बात कही गई है कि हाँ अब एक्शन होगा, अब CBI इन्वेस्टिगेशन होगा, इससे पहले तक कहाँ था, इससे पहले भी यहाँ पे इतना सब हो चुका है, कल बारिश हुई, इतने एक वुमेन और उसके बच्चे को 3-year-old चाइल्ड उसका, वो लोगों की डेथ हुई यहाँ, मुझे आई एम नॉट अवेयर बट शायद गुरुग्राम में, यही दिल्ली में ही हुई है, ईस्ट दिल्ली में, मे बी दिल्ली में हुई, वो ड्रेन कुछ था ओपन, नाले में गिर गया, हाँ, इतना सब ऐसे रोज होता है, कुछ तो पता ही नहीं चलता है, अब जैसे कि अभी 2 दिन पहले एक लड़के का जो 2 दिन नहीं मतलब उसको दिन हो गए, निलेश, उसका जब हुआ था इलेक्ट्रोक्यूशन से उसकी डेथ हुई थी, तब वो अकेला मरा था, इसलिए उसके ऊपर कोई ज़्यादा जाँच नहीं हुई, उसका दिखा दिया कि हाँ उसने, क्या कहेंगे, प्रोटेस्ट चल रहा, सरकार इंश्योरेंस दे रही है, क्या इतना प्रोटेस्ट चल रहा है, कंपेंसेशन सबसे बड़ी डिमांड जो हमारी कंपेंसेशन की थी, कल राउस के अथॉरिटी कोई आए थे मैसेंजर मैसेज देने के लिए, उनने 50 लाख का बोला, वो भी इंस्टॉलमेंट में 25 लाख करके चंदा दे रहे हैं क्या, वो मतलब स्टूडेंट की यहाँ पे एस्पिरेंट पूरी लाइफ चली गई उनकी, उनके पेरेंट्स के ऊपर क्या बीत रही होगी,
उनके पेरेंट्स के साथ साथ बाकी बच्चे जो यहाँ पे खड़े हैं इनके पेरेंट्स के अंदर भी डर बैठ गया है अपने बच्चों को। मेरे पेरेंट्स मुझसे कह रहे हैं कि घर आ जाओ बेटा, यहाँ मत जाओ, प्रोटेस्ट में भी मत जाओ, इतना डर बैठ गया उनके अंदर कि मैं तो यहाँ पे रेगुलर आ रही हूँ लेकिन वो लोग मना कर रहे हैं मुझसे कि घर आ जाओ, मत जाओ वापस, मुझे घर बुलाया जा रहा है। मेरे जैसे जितनी भी फ्लैटमेट्स हैं मेरी उन्हें घर बुलाया जा रहा है। इतना प्रॉब्लम हम सबको फेस करना पड़ रहा है सबके चक्कर में, कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही क्योंकि बेसमेंट की लाइब्रेरी बंद हो गई है और बाकी लाइब्रेरीज की फ़ीस इतनी हाई कर दी गई है। दिल्ली की रैंक 118 है आउट ऑफ 140 ग्लोबल सिटीज़ में, क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा बुरी कंडीशन है, इसकी लिवेबिलिटीज़ इतनी ख़राब है। ये हमारी नेशनल कैपिटल है, हमें सबसे पहले तो इसको सेफ रखना पड़ेगा ना, तभी तो हम बाकी चीज़ों, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करती है हमारी कंट्री को, हमारी कैपिटल है, हमारी दिल्ली और मुंबई, मुंबई सपनों का शहर बोला जाता है, उसकी भी इतनी बुरी कंडीशन है। इमोशनल हो गए आप हैं काफ़ी, इमोशनल आप देख रहे हो कि इतना सब कैसे हो रहा है, कहीं ना कहीं हम सबके दिल में डर इतना बैठ गया है कि क्या कह सकते हैं। इमोशनल डरी हुई है, मैं कितनी डरी हुई हूँ, मैं 4 दिन से मुझे ना नींद आती है सही से, मुझे सपने आ जाते हैं उल्टी सीधे, और ना तो मेरी पढ़ाई सही से हो रही है, क्योंकि मैं उस टाइम यहीं पर थी जब इंसिडेंट हो रहा था, मैंने सब कुछ देखा था, और वो सब देखने के बाद मुझे नींद नहीं आई थी पूरी रात। मैं हेल्पलेस फील कर रही थी कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही, जो बच्चे अंदर फंसे हुए थे, मैं बाहर थी, मैं खाना खा रही थी और वो बेचारे अंदर क्या हो रहा होगा उनके साथ मैं सोच भी नहीं सकती। इतना मुझे इतना बुरा लग रहा था कि पहले से ऐसा नहीं है कि पहले से सिस्टम को पता नहीं होगा कि यहाँ क्या हो सकता है, बेसमेंट में पानी जा सकता है, रोड पे इतना पानी भर जाता है, तो पहले से क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया, ऐसा क्यों हुआ कि इतना होने के बाद यहाँ पे सालों भरता ही है, भरते ही पानी भरते ही भरता है, हर साल यहाँ पे भरता है। मैं तो लास्ट ईयर से आई हूँ तो मुझे लास्ट ईयर का पता है, इससे पहले का मुझे नॉलेज नहीं था यहाँ का। अब तो मैं किसी से भी नहीं कहूँगी कि यहाँ पर आए, अपनी लाइफ को ऐसे दाव पे लगाए, इससे अच्छा तो घर पे ऑनलाइन पढ़ ले, वो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे सारी चीज़ों का प्रॉब्लम है, रेंट का प्रॉब्लम रहता है, ओनर परेशान करते हैं रेंट देने के लिए, टाइम अगर एक दिन भी आगे पीछे हो जाए तो बच्चों को परेशान कर दिया जाता है। एक लड़की ने सुसाइड कर लिया इसके चक्कर में, रेंट के लिए एक लड़की ने नोट डाला था अपना सुसाइड के लिए। ऑफकोर्स और भी रीजन्स होंगे लेकिन वन ऑफ द रीज़न इज़ रेंट, एक रीज़न रेंट भी था। कैसे लोग हैं ये, मतलब बच्चों की प्रॉब्लम नहीं समझते, उन्हें तो रेंट से मतलब रहता है, कहीं कुछ बच्चों को तो सिक्योरिटी भी वापस नहीं करते ओनर। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे अच्छे ओनर मिले हैं, मेरे ओनर अच्छे हैं, लेकिन सबके नहीं होते हैं। कुछ लोग सिक्योरिटी भी नहीं वापस करते हैं बच्चों को, कुछ ना कुछ बोल के कि ये ख़राब हो गया वो ख़राब हो गया, और सिक्योरिटी ले लेते हैं मंथ के पहले सिक्योरिटी देना पड़ता है, ब्रोकरेज देना पड़ता है, रेंट भी देना पड़ता है। हम दिल्ली आते हैं हमें पहले ही इतना लूट लिया जाता है, उसके बाद में फिर प्रोसेस चलती रहती है, कभी ये ख़त्म तो होती नहीं है, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, इट इज़ नीडेड। सपनों के लिए आते हैं लेकिन इतना कठोर धरातल मिलता है यहाँ पर, ऑफकोर्स इतने बच्चे आते हैं अपने सपना लेकर आते हैं और इतने सालों तक यहाँ पे रहते हैं, इतना बुरा कंडीशन रहता है यहाँ का, कोई नहीं देखता। अभी इतना बड़ा ट्रेजेडी हो गया है तो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो बाकी हमें भी मौका मिला है कि अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रख पाएँ, वरना इससे पहले आप मतलब कौन ही हमारे व्यूज़ जानने के लिए आ रहा था, नहीं हम कहीं भी नहीं जा पा रहे थे ना, और इतना तो नहीं होता है। और ब्रोकर्स का लोग पूछ रहे हैं कि ब्रोकर्स के साथ लड़कियों को हैरेसमेंट होता है, वो होता है लेकिन लड़कियाँ कहाँ जाएँ, उनको एक डर रहता है कि अगर हम ये सब बताएंगे तो हमारे पेरेंट्स हमें वापस बुला लेंगे, क्योंकि अगर हम किसी को बता रहे हैं कि हमारे ऐसा हो रहा, पेरेंट्स तो डर जाते हैं, कहते हैं तुम वापस आ जाओ, और वो तो यहाँ आती हैं अपना मतलब सपना लेके, वो कैसे बता पाएं कि ब्रोकर्स क्या कर रहे हैं और हमारे साथ क्या हो रहा है। पेरेंट आपके बुला रहे हैं? मेरे भी पेरेंट्स मुझसे बोल रहे हैं, आज ही बोल रहे हैं। पेरेंट्स तो बुला रहे होंगे, मेरे पेरेंट्स बुला रहे हैं, ऑफकोर्स बुला रहे हैं, वो मुझसे कह रहे हैं बेटा घर आ जाओ, 15 दिन तक घर रह लो, उसके बाद चले जाना अगर कंडीशन ठीक हुई तो, और मुझे पता है एक बार मैं चली गई तो वापस भेजना बहुत मुश्किल है, और क्योंकि जानते हैं वो लोग कि यहाँ पे हमारी लाइफ को कितना खतरा है, इससे उन्हें समझ में आ रहा है कि हमारी भी बच्ची लाइब्रेरी में जाएगी, और अगर गई और ऐसा कुछ हुआ तो फिर से, और लाइब्रेरी ही नहीं यहाँ पे पूरी दिल्ली में कहीं भी कुछ सेफ्टी नहीं है, इतने तार रहते हैं, कहीं भी कुछ हो जाए, कहीं से भी इलेक्ट्रिसिटी आ सकता है, हम वहाँ पर क्या करेंगे। मेरा तो खुद का रूम का जो गेट है ना बिल्डिंग का, वो भी लोहे का है, ऊपर तार है, कभी भी करंट आ जाएगा फिर सिस्टम क्या हमारी गलती निकालेगा कि हमने गेट छू लिया, तो तार गेट छू लिया है ना भाई, तो उसके संग क्या गया, गेट नहीं छूना चाहिए था, हम कहाँ फिर गेट नहीं छूएंगे तो कैसे, किस चीज़ को ना छुएं, वही तो कहाँ पे नहीं निकलें, कहाँ पे निकलें, कोई भी कुछ भी अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं होता, बस इधर से उधर जिम्मेदारी अपनी बस वो होती है। सबसे बड़ी बात तो है ना कि आज तक किसी भी अधिकारी ने गवर्नमेंट के ये आके क्यों नहीं चेक करा कि बच्चे कितने अनहाइजेनिक कंडीशन में रह रहे हैं, यहाँ पे एक तरह के तबेले हैं, तवेला टाइप है वो, ना तो वहाँ पे कोई लड़कियाँ होने के अपनी चुनौती है,
कई बार निकलना मुश्किल होता है, सुरक्षा की चुनौती अलग है। सारी निकलने की बात अंकल इंदिरा बता रही थी किस तरह से लड़के ने स्टॉकिंग की, पीछे पड़ गया, कैसे जान बचाई। अंकल ये सब तो होता ही रहता है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पटेल नगर में जो साइड में जहाँ पे चाय वगैरह का शॉप्स रहते हैं वहाँ पे बैठ के लोग ड्रिंक करते हैं, बैठे रहते हैं, सिगरेट पीते हैं, कहाँ तक हम लोग बचेंगे। इस पर तो हम लोगों को खुद से स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि हम हमेशा सिस्टम के भरोसे नहीं रह सकते ना कि वो आके हमें सपोर्ट करे। इसके लिए हमें खुद को अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, क्योंकि लड़कों को हम कहाँ तक देखेंगे कि कोई और आके हमें बचाए। हमें खुद से इसके लिए ऊपर लेना पड़ेगा, इस पर तो हम नहीं कर सकते हैं कुछ, क्योंकि हमें भी कहीं ना कहीं इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि कोई अगर हमें स्टॉक कर रहा है तो हम उसको जवाब दे पाएं। लेकिन मैं भी नहीं हूँ इतना स्ट्रांग, लेकिन मैं बन रही हूँ। हो जाओगी तुम तो काफ़ी स्ट्रांग, अगर इतना बोल रही हो तो तुम स्ट्रांग हो। अकेली शहर में रह रही हो तो स्ट्रांग हो, महसूस करो सब, ऐसा नहीं कोई कमज़ोर नहीं बनाता भगवान। अब क्या चाहते हो सिस्टम से? बस यही चाहते हैं कि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पूरा करने की कोशिश करें वो लोग। उनका ये उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब देखना। ये जो भी है ये मेन चीज़ तो प्रॉब्लम तो सिस्टम का ही है ना। सब अपनी अपनी कह देते हैं कि यहाँ पे कोचिंग का है, मेन प्रॉब्लम करप्शन है। अगर करप्शन ही ठीक नहीं होगा, क्योंकि बेसमेंट में लाइब्रेरीज इलीगल है ये सबको पता है, लाइब्रेरीज और क्लास रूम्स। अभी थोड़ी दूर चले जाओ, चल रही है लाइब्रेरी, चल रही है बेसमेंट में। अंकल भाई ना कहाँ तक बंद होंगी लाइब्रेरी, कोई ना कोई खोल लेगा, लोग पैसे देंगे और फिर हो जाएगा काम शुरू। ये चीज़ कौन देखेगा, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है ना। कोर्ट की तरफ से जब तक पूरा बैन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। यहाँ पे एक कड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन रिक्वायर्ड है। यहाँ पर स्टेट हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्शन ऑफ द सिटीजन्स लाइव्स। राइट टू लाइफ इज द बेसिक राइट ऑफ ऑल ह्यूमन। जान नहीं होगी तो क्या किया जा सकता है। तो ये थी वो लड़कियाँ जो इस समय दिल्ली में अकेली रहकर तैयारी कर रही है, अपनी दुख है, अपने दर्द हैं, आँखें नम है, अभी रो रही है, देख सकते हैं आप किस तरह से वो इमोशनल होगी। नहीं रोना नहीं है, रोना नहीं है। तुम तो अधिकारी बनने आई हो, कल अगर तुम बन गई तो क्या करो, क्या बदलोगी, क्या बनना है ये बताओ। मैं यहाँ पे ऑफ कोर्स IAS बनने आई हूँ। मैं आई और मैं इतना मैं अभी मेरी 19 ईयर्स की एज है, तो मैंने इतना सब नहीं देखा था, मेरा इतना ज़्यादा एक्सप्लोर भी मैंने नहीं किया था। मैं यहाँ की बहुत चीज़ें एक्सप्लोर कर रही हूँ, सीख रही हूँ कि कैसे, जब मैं प्रोटेस्ट में आई ना मुझे इतना कुछ सीखने को मिला है कि यहाँ पे बच्चे कैसे आवाज़ उठाते हैं, कैसे बोलते हैं। लेकिन मैं बस यही चाहूँगी कि मैं अगर IAS बनती हूँ तो मैं कैसे भी कोई भी करप्शन में किसी भी तरह से हाथ ना दूँ। मैं हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ऊपर रखूँ, अपनी प्रायोरिटी को दूसरों की सेफ्टी इंश्योर करूँ। मैं अपनी मतलब मैं अगर बनी तो मैं बस इतना चाहूँगी कि मैं कहीं ना कहीं, ताकि लोग बदल जाते हैं अधिकारी बनने के बाद, रुतबा आने के बाद सब बदल जाते हैं। हाँ अंकल ये डर तो मुझे भी है, लेकिन मैं अपने आप को इंश्योर करूँगी कि मैं एथिकल रहूँ। मैं एथिक्स पढ़ रही हूँ, मुझे हमें एथिक्स पढ़ाया जा रहा है, उसमें हमें ये सब सिखाया जा रहा है जो आज ये सब देख रहे हैं हम। शायद मैं उतना उसको फील नहीं कर पाती, मैं क्लास में पढ़ रही हूँ और आज यहाँ आके मैं वो सब देख रही हूँ। मैं क्लास में पढ़ती थी, मैं आंसर्स लिखती थी, मुझे समझ मतलब मैं लिख देती थी, लेकिन जो मैं फील कर रही हूँ आज यहाँ पे आके, उससे मुझे समझ में आ रहा है कि सच में यहाँ पर कितनी प्रॉब्लम है सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेशन में कितनी प्रॉब्लम है। तो ठीक होना है। हाँ इसको बहुत ज़रूरी है ठीक होना। हम कहीं ना कहीं हम ही जैसे एस्पिरेंट्स जाके आगे ये सब सुधार सकते हैं। हम यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं, आज जो भी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है कल वो जाके IAS ऑफिसर बनेगा, भले ही सिस्टम। हाँ ये कहा जाता है पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, बट हमें तो ये ट्राई करना है ना अपनी साइड से कि हम एथिकल रहें, हम ना रहें, हम वैसे ना। इंदिरा से भी उम्मीद है वो भी ना रहेगी। मैं भी नहीं रहूँगी बिल्कुल भी, क्योंकि हमने जो पढ़ा है हम उसको अप्लाई करेंगे, कुछ ना कुछ भी हो जाए बट अप्लाई करेंगे जी। लड़कियों से ज़्यादा उम्मीद है। तो ये वो लड़कियाँ थी जो अकेली रहकर शहर में दिल्ली में तैयारी कर रही है, लेकिन कई चीज़ों को लेकर काफ़ी इमोशनल है। इनका कहना कि चीज़ें बदली जानी चाहिए, सिस्टम बदलना चाहिए, जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो सपोर्ट मिलना चाहिए। इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि सरकार तक, अथॉरिटी तक ये पहुँचे, वो महसूस करें इन बच्चियों की प्रॉब्लम्स को और इन पर एक्शन लें। नमस्कार।